हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मित्रा सीएससी हेल्पलाइन में। तो देखिए दोस्तों, ई मित्रा पे भी एक नया नोटिफिकेशन आया है। क्या वो नोटिफिकेशन है तो उसके बारे में कम्प्लीटली हम बात करते हैं और चलते हैं डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं उस नोटिफिकेशन को। तो देखिए दोस्तों, ये ई मित्रा पे नोटिफिकेशन आया है 12 अप्रैल 2021 को 10:30 पे। यहाँ पे लिखा गया प्रिय अभियोजक, यदि आपसे गलती से या फिर अनजाने में ई मित्र के माइग्रेंट का टोकन कट गया है अथवा किसी लालच या बहकावे में आकर आपने यह टोकन काट लिया है और अब अपना क्योंसक माइग्रेंट नहीं करना चाहते हो तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अभी भी अपना टोकन कैंसिल कर सकते हैं। आपको माइग्रेंट नहीं किया जाएगा तथा आपके टोकन की राशि वापस आपके वॉलेट में जोड़ दी जाएगी। आज्ञा से सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान सरकार। देखिए, आपको रजिस्टर कंप्लीट वाले ऑप्शन में जाके वहाँ पे कैंसिल टोकन का है जो एक टिकट क्रिएट कर देना है और आपके ब्लॉक प्रोग्रामर से बात कर लेना है, उनसे में बात करके और आपका टोकन है जो वहाँ से कैंसिल करवा लेना है। तो उसके बाद आपका जो टोकन का पैसा था वो आपके ई मित्र वॉलेट में वापस आ जाएगा और आपका ई मित्र है जो माइग्रेट नहीं किया जाएगा। आप कुछ एक LSPOs के आपके पास फोन आए होंगे कि आपको बैंक बीसी प्रिंट दिला देंगे, आधार का काम दिला देंगे, RKCL काम दिला देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वैसा आधार वगैरह काम मिलता है वो सिर्फ गवर्नमेंट लोकेशन पे मिलता है। अगर आप किसी के बहकावे में आके आपने माइग्रेंट का टोकन जनरेट कर लिया है तो आप उसको कैंसिल भी करवा सकते हो। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने माइग्रेंट का टोकन है जो काट दिया था और टोकन काटने के बाद में अभी आप जो टोकन कैंसिल करवाना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक तो रजिस्टर कंप्लेंट में जाके वहां से कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर देनी है और उसके बाद आपके ब्लॉक प्रोग्रामर जो भी है उनसे संपर्क करना है। उनसे संपर्क करके आपको टोकन जो आप कैंसिल करवा सकते हो, टोकन कैंसिल हो जाएगा। जिस LSP में आपका भी मित्र है उसी LSP कंपनी में आपका मित्र रह जाएगा और जो आपका मित्र है वो माइग्रेंट नहीं होगा। मित्र पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया डैशबोर्ड के ऊपर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नई वीडियो नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।